बड़ी वबा से निपटने के लिए बड़ी बैठक में बड़े फैसले। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अजलास। मुल्क के तमाम तालीमी इदारे 3 हफ्ते के लिए बंद। शादी हॉल, सिनेमा और थिएटर 2 हफ्ते के लिए बंद। पाकिस्तान से यात्रियों के करतारपुर जाने पर पाबंदी। बैन अलाकवामी परवाजें सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से उड़ान भरेंगी। यौम पाकिस्तान की तकरीबात और मुसल्ला फौज की परेड मंसूख। कोरोना से मुतालिक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील, अजलास आज शेड्यूल। वजीर आजम की आवाम के सेहत के लिए जामे लायमल तश्कील देने की हिदायत। कौमी सलामती कमेटी अजलास में इमरान खान का कहना था कि मुतलका हुकाम वायरस से बचाव के लिए तमाम इकदाम यकीनी बनाएं। इजलास में मुसल्ला फौज के सरबराह DGISI की भी शिरकत। मुल्क भर में तमाम इम्तिहानात मुलतवी। फैसला सूबों से मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। मुल्क में कैदियों से मुलाकात पर 3 हफ्तों के लिए पाबंदी। पंजाब में जश्न बहारा और दीगर फेस्टिवल मंसूख। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 28 हो गई। कराची में कोरोना का एक और मरीज सामने आ गया। सिंध में मजारों में जायरीन की आमद का वक्त मुकर्रर करने का हिदायत। मजारों से मुहल्लिका मस्जिद नमाज के औकात में ही खुलेंगी। सिंध हुकूमत की एडवाइजरी जारी। कोरोना का खौफ, अमेरिका में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। वायरस से मजीद 7 हलाक, तादाद 48 हो गई। यूरोप से अमेरिका का दाखिला बंद, अमरीकियों को आने की इजाजत। सदर ट्रंप का $50 अरब फंड का ऐलान। ट्रंप का कहना था कि मेरा टेस्ट भी बहुत जल्द होगा, बीमारी की इलामत नहीं। दुनिया भर में हलाकते 5,416 हो गई। इटली में एक ही दिन में 250 अफराद हलाक। स्पेन में मजीद 47, फ्रांस में 18, जर्मनी में 2 हलाकते, ईरान में मजीद 85, इंडोनेशिया में 2, भारत में दूसरी हलाकत। सऊदी अरब की जानिब से वापसी का अल्टीमेटम, अकामा होल्डर्स परेशान। एयरलाइंस के दफातर में रश। PIA का पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 6 खसूसी परवाजों का ऐलान। कोरोना वायरस खेलों को भी चिमट गया। पाकिस्तान सुपर लीग 4 रोज में खत्म करने का फैसला। प्लेऑफ सेमीफाइनल्स में तब्दील। 34 के बजाय 33 मुकाबले होंगे। PSL का फाइनल 18 मार्च को खेला जाएगा। लाहौर में भी तमाशाइयों की आमद पर पाबंदी लगा दी गई। PCB की इजाजत के बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों की वापसी जारी। आर्मी चीफ की जेरे सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ब्रिगेडियर फहीम आमिर, ब्रिगेडियर राशिद महमूद की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। ब्रिगेडियर अब्दुल मुईद भी तरक्की पाने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में 11 मेजर जनरल्स का ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर्स से है। वजीर आला पंजाब से मुलाकात क्यों की, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी। 77 हटाने की बात आई और मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बताया शाम को कि कल 370 हटना है, तो उसने कहा कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कि या तो फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन 10 आदमी मरते हैं, या तो बुरहान वानी के मरने पे 120 आदमी। आर्टिकल 370 हटाया तो 1000 बंदे मारने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर्स को चीफ सेक्रेटरी ने साफ साफ कहा था। क्या मोदी सरकार ने नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल नहीं किया? लॉकडाउन का 8वां महीना, हकायक दुनिया की नजरों से ओझल। बारामूला में शहीद नौजवानों की नवाज़े जनाजा अदा। हवा में लेकिन 4 मिलेंगे। कराची में तमाशाइयों के बगैर पहला मैच। पिशावर जलमी 155 रन का हदफ अबूर करने में नाकाम। सनसनीखेज मैच 3 रन से मुल्तान सुल्तान के नाम।